नहीं, मैं वहाँ बीएड कंप्लीट करने के बाद वहाँ मैंने 2 साल स्कूल में पढ़ाया है, 2 साल का एक्सपीरियंस ले करके यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, उसके बाद लेकिन यहाँ पर जहाँ भी जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, पहले तो जल्दी काउंट नहीं करते इंडियन का एक्सपीरियंस। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। भाई मैं आज एक भाई से मिल रहा हूँ और ये भाई यहाँ पे एज अ टीचर की यहाँ पे जॉब भी वैक है, मतलब अभी ट्राई कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। तो आओ चलो उनसे मिलाते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो लोग टीचिंग के लिए यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं या टीचिंग के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आने के लिए, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, लास्ट तक देखना वीडियो। और चलो मिलाता हूँ भाई से, पूछता हूँ कैसे आना हुआ, उन्होंने एजुकेशन क्या है, यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ क्या क्राइटेरिया, सारे एक एक चीज़ पता करता हूँ। ठीक है भाई, ये भाई हैं। भाई सलाम अलैकुम। कैसे हैं भाई, हाल चाल कैसे है भाई? आपका नाम क्या है? मोहम्मद नुमान मेरा नाम है। और अच्छा भाई, आप यहाँ पे किस, मतलब यहाँ पे कब आना हुआ आपका? पहले मैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड पूछ लेता हूँ कि आपने पढ़ाई एजुकेशन क्या की है, पहले हाई स्कूल इंटर आपने कहाँ से किया है? मैंने हाई स्कूल इंटर तो आज़मगढ़ से किया, और बाकी एमएससी भी आज़मगढ़ से किया, एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड जामिया मिल्ली इस्लामिया से किया। अच्छा, जामिया से किया, दिल्ली से? या जामिया मिल्ली इस्लामिया दिल्ली से। और मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की फील्ड में टीचिंग के लिए आया हूँ, और 4-5 महीने हो गए यहाँ पर। लेकिन यहाँ का वही है कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस इंडिया का है, लेकिन यहाँ पर इंडियन एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते। इससे पहले मैं जानने से पहले ये मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपने जामिया में आपने वहाँ से बीएड किया है, बीएड करने का, मैं यहाँ पे बीएड करने के बाद वहाँ पे क्या टीचिंग का एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, या वहाँ पे कोई मतलब कॉलेज स्कूल वगैरह में पढ़ाते थे, या ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पे उसके आ गए हैं? नहीं, मैं वहाँ बीएड कंप्लीट करने के बाद वहाँ मैंने 2 साल स्कूल में पढ़ाया है, 2 साल का एक्सपीरियंस ले करके यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, उसके बाद लेकिन यहाँ पर जहाँ भी जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, पहले तो जल्दी काउंट नहीं करते इंडियन का एक्सपीरियंस। और जिस स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ पर एज ए यहाँ यूएई का एक्सपीरियंस मांगते, इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जॉब तो मिल ही जाएगी, इंशाल्लाह मिलेगी। तो यहाँ पे क्या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ मांग रहे हैं कि उनको ये चीज़ें होनी चाहिए? यूएई का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं या इंडियन एक्सपीरियंस में भी क्या उनको क्राइटेरिया चाहिए? यहाँ पर प्रीफर उस कैंडिडेट को प्रीफर करते हैं जिनके पास यूएई का एक्सपीरियंस हो कम से कम 1 साल या 2 साल का, और जो इंडियन एक्सपीरियंस लेकर आते हैं उनको भी बस थोड़ा सा टैलेंट देखते हैं, और अगर उनके अंदर थोड़ा टैलेंट है, अगर यूएई के एक्सपीरियंस वाला थोड़ा सा अगर उनको नहीं मिलता है, तो फिर इंडियन स्टूडेंट को टीचर प्रीफर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि मतलब वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंट है तुम्हें अभी तक नज़र आया? अभी तो अच्छा, अभी क्या कर रहे हो फिलहाल? अभी 4 महीने हो गए हैं, एज अ दूसरा वीज़ा लगा होगा आपका ना, तो 4 महीने में मतलब आप अभी क्या कर रहे हो, मतलब ट्राई कर रहे हैं? यहाँ पर ट्यूशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको स्कूल में टीचिंग के लिए नहीं मिलता यहाँ पर, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन में कितना देते हैं बच्चों को? ट्यूशन में फीस वही 400-500 दिराम जैसा भी। इंडियन भाई 8,000 रुपये पर बच्चे का, एक बच्चे की 8,000 रुपये यहाँ दिराम आपको सेल वहाँ पे ट्यूशन फीस देते हैं। ठीक है, 400 दिराम का मतलब 800 आपका 8,000 रुपये आई थिंक हो गया ना, 8,000। तो यहाँ पे कितने बच्चे अभी पढ़ा रहे हो यहाँ पे? अभी तो मैं 3 से 4 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन और भी बच्चों से बात हुई, अगर मुझे 8 से 10 बच्चे अभी मुझे मिल जाते हैं, मुझे स्कूल में अप्लाई करने की जरूरत, उसके बाद ज़रूरत ही क्या है कि मतलब कॉलेज में पढ़ाना, कॉलेज में। अच्छा, यहाँ पे एज अ फ्रेशर अगर मतलब आपकी ज्वाइनिंग होती है एज अ फ्रेशर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सुना हूँ कि पीएचडी मांगते हैं, सबसे पहले उनकी क्राइटेरिया होती है कि पीएचडी है? नहीं, अगर आप 12th तक पढ़ा रहे हैं तो आपको बस बीएड की ज़रूरत है और एमएससी की ज़रूरत है। अच्छा, पीएचडी यूनिवर्सिटी के लिए मांगते हैं, जिनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना डिग्री के लिए, जी हाँ, जिनको बैचलर को पढ़ाना मास्टर, उनको पीएचडी चाहिए। अच्छा अच्छा, तो भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे होम ट्यूशन पढ़ा रहे हो है ना, तो यहाँ पे होम ट्यूशन के लिए क्या मतलब आपको घर पे जाके पढ़ाना पड़ता है या खुद बच्चे आपके यहाँ आते हैं? नहीं, यहाँ पे घर पे जाके पढ़ाना पड़ता है, और क्योंकि यहाँ पर आपके रूम में ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं होती कि आप दूसरे बच्चों को बुला के यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बिलीव ही नहीं करते कि वो अपने वहाँ आपके रूम पर भेजें बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो घर ही पर बुला के पढ़ाते हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है, कोचिंग सेंटर का बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा, अगर कोचिंग सेंटर में आपको, एक बच्चे की फीस कितनी होती है कोचिंग सेंटर में, मतलब पर सब्जेक्ट होती है या पूरी टोटल उनका? पर क्लास होती है। अच्छा, पर क्लास और पर स्टूडेंट होती है, जैसे आप बात कर लें 150-200 दिराम, अगर 20 स्टूडेंट हैं किसी कोचिंग सेंटर में तो आपको लगभग 3,000-4,000 दिराम मिल जाते हैं महीने। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और है, मतलब कि आप यहाँ पे जैसे पर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पैसा आप देते हैं, जैसे आपने मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या साइंस है यहाँ पे, तो हर सब्जेक्ट वाइज का मतलब जो फीस होती है अलग होती है कि मतलब सबकी फीस सेम ही होती है? जैसे कोई मैथ्स पढ़ाता है उसकी कुछ ज़्यादा होती है, इंग्लिश पढ़ाता है उनकी कुछ ज़्यादा होती है, या
कम होती है, वैरी करती है या सेम होती है? नहीं, लगभग सेम होती है, बस वो टीचर और पेरेंट्स से बातचीत के ऊपर निगोशिएशन पर पता चलता है कि कोई किसी का 100 दिराम ज़्यादा हो गया, किसी 50 दिराम कम हो गया, ऐसे ही रहता नहीं, अबाउट सेम ही रहती है। अच्छा, जो लोग मतलब टीचिंग के लिए यहाँ पे आना चाह रहे हैं भाई, तो अभी मतलब आप तो यहाँ पे आए हो, फील्ड में अभी लगे भी हो और ट्यूशन भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हो और अच्छा पैसा कमा रहे हो, इंडियन 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो, ठीक है? तो मैं ये और लोग जो आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं एज अ टीचिंग के इस पे पर्पज़ के लिए, तो उनके लिए क्या कहना चाह रहे हो कि वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आएँ या यूएई में डायरेक्ट आके यहाँ यहीं से एक्सपीरियंस गेन कर लें, क्या उनके बारे में क्या सजेशन देना चाहते? यहाँ पर आकर के एक्सपीरियंस तो गेन नहीं हो सकता है क्योंकि वो एज ए फ्रेशर ही आप, क्योंकि वहाँ से कम से कम 2-3 साल के एक्सपीरियंस आप लेकर के आएँ यहाँ पर, और जब भी आए तो जुलाई और अगस्त के महीने में, उससे पहले आना बेकार है क्योंकि हायरिंग अगस्त के महीने में ही चलती है, जुलाई से क्या। अच्छा, इधर अभी हायरिंग नहीं हो रही? अभी हायरिंग नहीं चल रही है, अभी एक दो स्कूल की आ जाती है कोई वैकेंसी, लेकिन हायरिंग जो चलती है वो जुलाई अगस्त के महीने में, और आपकी डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए, बिना अटेस्टेड डिग्री का आपको यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करेंगे। यहाँ से भी अटेस्टेड होनी चाहिए, वहाँ से भी अटेस्टेड, दोनों तरफ, यहाँ इंडिया से भी अटेस्टेड होनी चाहिए और यहाँ यूएई से भी। अच्छा, जो इंडिया का एक्सपीरियंस होता है वो जो कॉलेज का एक्सपीरियंस होता है, हमने जैसे किसी कॉलेज में पढ़ाए हैं वो हम लेकर यहाँ से सर्टिफिकेट आते हैं, तो क्या यहाँ पे काउंट करते हैं या नहीं करते हैं? मोस्टली नहीं करते हैं, लेकिन किसी स्कूल में टीचर की सख्त ज़रूरत पड़ती है तो फिर उनको काउंट करते हैं और फिर उनका डीमो भी लेते हैं। यहाँ पे आपके डीमो के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आपको प्रिंसिपल के इंटरव्यू के बाद आपको क्लास के अंदर डीमो देना पड़ता है, अगर आपका डीमो अच्छा हुआ और बच्चे सर्टिफाइड हुए तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू में वगैरह में क्या पूछते हैं? ऐसे डेमो क्लासेस हो जाती है, वो इंडिया वाला फार्मूला है यहाँ पे भी? क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में तो पहले आपके एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, आपको अपने बारे में पूछते हैं, फिर आपको ये पता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और बच्चों को कैसे इंगेज करेंगे, आप स्कूल के लिए क्या करेंगे और नई टेक्निक क्या आपके पास पढ़ाने की, जो टेक्निक होती है वो टेक्निक के बारे में बताना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको उसी चीज़ को फिर आपको डेमो के अंदर दिखाना पड़ता है, जो आपने प्रिंसिपल से या एचआर से जो आपने इंटरव्यू में बात की है वही चीज़ आपको डेमो में दिखाना, और डेमो में स्कूल के प्रिंसिपल भी रहते हैं और एचआर भी बैठे हुए हैं और सारे बच्चे भी मौजूद होते हैं वहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने घंटा आपकी टीचिंग मतलब कितने क्लास दिन भर में लेना पड़ता है और कितने घंटे आपकी मतलब जॉब होती है यहाँ पे एज अ टीचर? यहाँ पे एक क्लास से यहाँ पे 1 घंटे की होती है और 4-5 क्लास आपको एक दिन में लेनी पड़ती है। 4-5 मतलब 4-5 घंटे आपको पढ़ाना है डेली? डेली आपको 4-5 घंटे पढ़ाने, और शारजा के अंदर तो हफ्ते में 4 दिन पढ़ाने होते हैं, जबकि दुबई में 4 दिन और 4.5 दिन लगभग, क्योंकि हाफ डे फ्राइडे को हाफ डे रहता है। यहाँ पे क्या है ना, 7 स्टेट है भाई, 7 स्टेट है, सातों स्टेट का रूल अलग है, ठीक है? शारजा में आपका कुछ और रूल मिलेगा, दुबई में कुछ और मिलेगा, अजमान में कहीं और अबू धाबी में कहीं और, लेकिन मोस्टली सबका सेम ही वैरी करता है। शारजा का अलग है, सिर्फ शारजा का ओनली अलग है। शारजा में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी रहती है। ओके भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी भाई आज के लिए। भाई अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और भाई कमेंट करके आप ज़रूर भी पूछ सकते हैं, मैं भाई का भी एक भाई का भी चैनल है, भाई आपका चैनल क्या नाम है? नुमान आज़मी। भाई नुमान आज़मी पे जाकर आप वहाँ पे क्लिक कर लेना, उनको सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन है, नाम भी मेंशन कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, जो भी टीचिंग से रिलेटेड यहाँ पे उनसे आपको जो भी आपको क्वेश्चन पूछना वहाँ पे उनके जाके आप वेबसाइट पे पूछ सकते हैं, ठीक है? उनका इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके भाई, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट बंदे का, एजुकेटेड पर्सन का वीडियो इंटरव्यू लेके। तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखना। ओके, बाय।